Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. In this video I will discuss the major insect pest of guava. यानी आज की वीडियो में हम अमरूद के जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई हैव इन्फॉर्मेशन फॉर यू. If you want to purchase or buy a complete PDF or a type of e-book related to the major diseases, insect pests and physiological disorders of major food crop, so you can purchase it. The link is given in the video's description box. Please check it. Now we have to discuss important insect pests in guava, and the number one insect pest in guava is fruit fly. Fruit fly ka scientific name important hai Bactocera कोरेटा. ठीक है, इसके अलावा बैक्टोसेरा जोनाटा, ये भी दो स्पीशीज़ हैं, कोरेटा और जोनाटा, ये इंपॉर्टेंट है. अब इनकी फैमिली ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हो गया डिप्टेरा, फैमिली हो गई टेफरी टिडी. ओके, सिम्टम्स की बात करते हैं तो फ्रूट फ्लाई कैसा सिम्टम कॉज करती है. ओवी पोजिशनल डैमेज इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट डिप्रेशंस मे बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. फ्रूट्स के बाहर से देख सकते हैं ये हमारा फ्रूट है गुआवा का और ये है हमारी फ्रूट फ्लाई. फ्रूट फ्लाई क्या करती है, इस तरह से होल बना के अंदर घुस के सारा का सारा जो मटेरियल है अंदर का उसको ख़राब कर देती है, डिस्ट्रॉय रॉटनिंग इफेक्ट क्रिएट कर देती है. फ्रूट्स सॉफ्ट एट द साइट ऑफ इन्फेस्टेशन, जहाँ पर वो अटैक करेगी वो वाला पोर्शन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट बना देगी, उसके बाद उसमें वो अंदर एंटर करती है. द इफेक्टेड फ्रूट रॉड एंड ड्रॉप डाउन प्री मेच्योरली, और प्री मेच्योर फ्रूट्स जो होते हैं वो फॉल डाउन हो जाते हैं. ओवी पोजिशनल अपर्चर लीड्स टू सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय सेवरल पैथोजन. तो ये तो बाद में नेक्स्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात हो रही है, बट यहाँ पे जो फ्रूट फ्लाई का मेन डैमेज होता है वो फ्रूट्स पे ही होता है. ओके, अब नेक्स्ट इज इट्स लाइफ साइकिल और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन. अब हम फ्रूट फ्लाई को पहचानते कैसे हैं, तो फ्रूट फ्लाई में देखो चार स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं. एग, एग से बना लार्वा, देन प्यूपा, देन अडल्ट. एग्स आर लेड ऑन द राइपनिंग फ्रूट्स एंड द मैगट्स फीड ऑन पल्प ऑफ द फ्रूट. मैगट क्या होते हैं, अब यहाँ पे हम जो लार्वा होता है जिसको हम ग्रब, कैटरपिलर ये सब बोलते हैं, तो मैगट टर्म भी लार्वा के लिए यूज होता है. तो जो अडल्ट फीमेल होती है वो जो एग लेइंग करती है वो राइपनिंग फ्रूट्स में करती है, जो फ्रूट्स होते हैं वहीं पर एग लेइंग होती है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गुआवा फ्रूट फ्लाई की एग लेइंग कहाँ पे होती है, दैट इज ऑन द राइपन फ्रूट्स. राइपन फ्रूट्स में एग लेइंग करने के बाद ये एग लेइंग हो गई, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं लावा, ये है लावा. लावाज जो होते हैं उसको हम बोलते हैं मैगट, जो कि फ्रूट के अंदर पल्प में ही फीड करते हैं. आफ्टर दैट लावा से जो लावा यानी मैगट है वहाँ से निकला प्यूपा. प्यूपेशन टेक्स प्लेस इन द सॉइल. लार्वा जब सारे फ्रूट्स को खा जाता है अंदर से, उसके बाद क्या होता है, लार्वा सॉइल में आके गिर जाता है, और सॉइल में आके गिरने के बाद वहाँ पे प्यूपा बन जाता है, दैट इज प्यूपेशन जो होता है वो सॉइल में हो रहा है. ठीक है, एग कहाँ ले हो रहा था, एग फ्रूट्स में ले हो रहा था, वहीं पे मैगट अंदर से सारा खा जाता है, फिर मैगट्स जो होते हैं वो नीचे सॉइल में गिर जा रहे हैं जहाँ पे प्यूपेशन हो जाता है. इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द मैंगो द पेस्ट शिफ्ट्स ओवर टू गुआवा विद अ पीक पॉपुलेशन इन जुलाई अगस्त. Now we discuss the management practices for controlling this pest. तो अब गुआवा में जो फ्रूट फ्लाई अटैक करता है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो सबसे पहला मैनेजमेंट प्रैक्टिस होता है जो भी हमको वहाँ पे उसका डैमेज दिख रहा है उसको हटा के हमको डिस्ट्रॉय करना है. ठीक है, जो प्लांट में इन्फेक्शन जिसपे इंसेक्ट ने अटैक करा है उस प्लांट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दें. प्लस अगर वहाँ पे हमको लार्वा या फिर इन दिस केस ये जो फ्लाई होती है उसको हम बोलते हैं मैगेट, लार्वा के केस में यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं मैगेट, तो हम उस फ्लाई के जो मैगेट्स होते हैं उनको भी हम प्रॉपर डिस्ट्रॉय कर देंगे. आफ्टर दैट टिलेज ऑफ द ट्री बेसन ऑल्सो हैव्स इन चेकिंग द पेस्ट पॉपुलेशन एज द प्यूपे एंड द हाइबरनेटिंग लार्वा आर डिस्ट्रॉयड बाय द नेचुरल एनिमीज. तो यहाँ पे जो नेचुरल एनिमीज प्रेजेंट होते हैं अराउंड द ट्री ट्रंक तो वो भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो टिलेज है वो प्रॉपर करनी होगी, क्योंकि जो उसके प्यूपा होता है या हाइबरनेटिंग स्टेजेस होती हैं वो सॉइल में अगर प्रेजेंट हैं तो वो प्रॉपरली नेचुरल एनिमीज के थ्रू भी कंट्रोल हो सकते हैं. ये तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ठीक है, बट सबसे फेमस प्रैक्टिस जो होती है फ्रूट फ्लाई के लिए वो होती है मिथाइल यूजिनॉल बॉटल ट्रैप. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, इसमें क्या होता है,
मिथाइल यूजिनॉल वाटर ट्रैप में हम मिथाइल यूजिनॉल और मैलाथियोन का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। इट कंटेनिंग 100 ml सॉल्यूशन ऑफ, इसमें मिथाइल यूजिनॉल होता है 0.1% और मैलाथियोन भी होता है 0.1%। तो दोनों का इक्वल अमाउंट को हम लेके एक सॉल्यूशन बना देते हैं 100 ml का, एक बॉटल में रख देते हैं और उस बॉटल को हमने नाम दे दिया मिथाइल यूजिनॉल बॉटल ट्रैप। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अब इसको कैसे फील्ड में सेट करते हैं, 10 सच ट्रैप्स मे बी हैंग इन अ हेक्टेयर एट अ हाइट ऑफ 5 to 6 feet वेल बिफोर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। क्योंकि ये जो फ्रूट में राइपनिंग स्टेज होती है उससे पहले हमको ये फील्ड में सेटअप करना होगा कि ये जो मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप्स हैं हमको एडजस्ट कर लेने होंगे। एक हेक्टेयर में हमको 10 ट्रैप्स की ज़रूरत होती है और उसको हम 5 से 6 feet ऊंचाई पर इसको सेट करते हैं। सॉल्यूशन में भी चेंज एट वीकली इंटरवल्स, और इस सॉल्यूशन को हम वीकली इंटरवल्स पे चेंज भी करते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट दिस मिथाइल यूजिनॉल बॉटल ट्रैप सॉल्यूशन फॉर कंट्रोलिंग द फ्रूट फ्लाई। नेक्स्ट वी डिस्कस द गुआवा टी मॉस्किटो बग। अभी जो गुआवा टी मॉस्किटो बग है, ये जो इंसेक्ट है ये अटैक जो करते हैं नॉट ओनली इन गुआवा, इसकी जो होस्ट रेंज है, यू कैन से होस्ट रेंज, इसके जो दूसरे क्रॉप्स हैं जो उसको पसंद है जिसमें ये अटैक करते हैं, एक तो गुआवा हो गया, इसके अलावा नाम है टी मॉस्किटो बग, तो टी में भी अटैक करते हैं, टी यानी जो चाय के पत्ते होते हैं उनमें भी अटैक करते हैं, इसके अलावा ये कैश्यू नट में अटैक करते हैं, मोरिंगा में भी अटैक करते हैं। तो जो गुआवा टी मॉस्किटो बग है इसका जो होस्ट रेंज है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। नॉट ओनली गुआवा, इट ऑल्सो अटैक ऑन कैश्यू नट, टी एंड मोरिंगा क्रॉप। नाउ वी डिस्कस इट्स साइंटिफिक नेम। तो गुआवा टी बग का साइंटिफिक नेम होता है हेलोपेल्टिस एंटोनी। हेलोपेल्टिस एंटोनी इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ गुआवा टी मॉस्किटो बग, ठीक है। फैमिली मिरीडी और ऑर्डर है इसका हेमिप्टेरा। तो हेमिप्टेरा ऑर्डर कैसा होता है यू ऑल नो, इसमें 3 stages प्रेजेंट होती हैं एट निम्फ अडल्ट, और जहाँ पे भी 3 stages प्रेजेंट हैं वहाँ पे जो डैमेज करता है वो कौन करेगा, निम्फ और अडल्ट मिलके यहाँ पे डैमेज करते हैं। सो इसका डैमेज कैसे होता है फ्रूट पे, निम्फ एंड अडल्ट मेक्स पंक्चर्स ऑन द पेटियोल टेंडर शूट्स एंड फ्रूट। तो देखिए पेटियोल में भी, शूट्स में भी और फ्रूट्स में भी निम्फ और अडल्ट क्या करते हैं, पंक्चर्स बनाते हैं, उसके बाद ये अपना डैमेज स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो याद रखना है कि इसकी जो अडल्ट फीमेल होती है ना, टी मॉस्किटो बग का जो अडल्ट होता है फीमेल अडल्ट, वो एग लेइंग जो करता है वो यहीं पे करता है, शूट्स हो गए, शूट्स इनफ्लोरेसेंस या जो टेंडर फ्रूट्स होते हैं वहीं पे एग लेइंग होती है। तो एग लेइंग हुई उसके बाद वहीं पे निम्फ बन जाता है, तो निम्फ और अडल्ट दोनों मिलकर डैमेज करते हैं। ब्राउनिश ब्लैक नेक्रोटिक पैचेस डेवलप ऑन द फॉलिएज, जो लीव्स होते हैं फॉलिएज होते हैं उन पे कैसे स्पॉट्स बनते हैं गुआवा की, ब्राउन ब्लैकिश कलर के नेक्रोटिक पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। एलोंगेट स्ट्रीक्स एंड पैचेस डेवलप ऑन द शूट्स, सिमिलरली फॉलिएज के बाद जो शूट्स होती हैं वहाँ पे भी स्ट्रीक्स और पैचेस डेवलप हो जाते हैं। और जो फ्रूट होता है, फ्रूट का डैमेज तो आप फिगर में देख सकते हो ईजिली, ये स्कैब फॉर्मेशन हो जाता है, कॉर्की स्कैब देख रहे हो ना, इस तरह से ब्राउन ब्राउन, ये कॉर्की पूरा इतना जो पोर्शन है ये कॉर्की स्कैप फॉर्मेशन कहते हैं इसको। तो जो टी मॉस्किटो बग है ये फ्रूट्स में बेसिकली कॉर्की स्कैप फॉर्मेशन जो है कर देता है। नेक्स्ट थिंग इज निम्फ और अडल्ट होते कैसे हैं इसके, तो रेडिश ब्राउन कलर का निम्फ अडल्ट होते हैं विच इज एलोंगेट बग विद ब्लैक हेड एंड रेड थोरैक्स। तो इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क ये होता है कि निम्फ ऐसा दिखता है। निम्फ जो होते हैं जनरली दे आर, इनका जो लाइफ टाइम होता है इट इज़ रिमेन निम्फ, जो इंसेक्ट होता है वो निम्फ की फॉर्म में 14 to 16 days के लिए रहता है, आफ्टर दैट वहाँ से अडल्ट इमर्ज आउट होता है। और ऑल ओवर जो इसकी लाइफ साइकिल होती है पूरा का पूरा जो टी मॉस्किटो बग है इसकी जो लाइफ साइकिल है दैट इज़ फ्रॉम 22 to 25 days, ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते हैं। तो मैनेजमेंट इसका सिंपल सा है, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, जो भी प्लांट में डैमेज पार्ट होते हैं उसको हटाना है, कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द डैमेज प्लांट पार्ट, एंड आफ्टर दैट इंसेक्टिसाइड्स का ऑप्शन है यहाँ पे है मैलाथियन। तो 50 EC मैलाथियन 0.2% हमको स्प्रे करना है, बाय मंथली इंटरवल पे हमको स्प्रे करना है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, फूल आने के टाइम पे हमको मैलाथियन डालना है ताकि फ्लावरिंग के बाद जब फ्रूट्स आए तो उसमें इंसेक्ट अपना एगलिंग ना कर पाए, ओके। नेक्स्ट इज द ब्रॉन्जिंग इन गुआवा। ब्रॉन्जिंग इन गुआवा इज अ मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ गुआवा, ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है गुआवा में। ये क्यों होता है, होता क्या है ब्रॉन्जिंग में, जब गुआवा में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्रूट आने लगते हैं, तो होता क्या है उस टाइम पे अगर इफ इन केस
नॉट इन जनरल, इन केस अगर फ्रूट्स आ रहे हैं लेकिन सॉइल में जो न्यूट्रंट्स हैं स्पेशली फॉस्फोरस और पोटेशियम की अगर डिफिशेंसी है या फिर मार्जिनल लेवल में ही प्रेजेंट है, तो ये न्यूट्रंट की डिफिशेंसी सीधे का सीधा लीव्स पर असर करती है. ओके, तो लीव्स का जो कलर है इट विल चेंज टू ब्रॉन्ज कलर, ब्रॉन्ज कलर की लीव्स वहाँ पे हो जाती हैं. इसके बाद लीव्स की फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से उनका साइज भी अफेक्ट होता है. फिगर में आप देख सकते हैं ये नॉर्मल लीव है और ये अफेक्टेड लीव देखते हैं जिनमें ब्रॉन्जिंग हो रखी है. और ये नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हो ऑल ओवर द प्लांट जो दूर से दिखता है प्लांट, इस तरह से ब्राउन कलर की ब्रॉन्ज लीव्स जो होती हैं वो हमें अपेयर होती हैं गुआवा में. इट इज ब्रॉन्जिंग डिसऑर्डर या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन गुआवा. नाउ हाउ वी कैन कंट्रोल ब्रॉन्जिंग इन गुआवा, वी कैन कंट्रोल इट बाय अप्लाइंग मिक्सचर ऑफ 20 kg ऑफ FYM, 1 kg ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट, 0.5 kg म्यूरेट ऑफ पोटेश एंड. तो अगेन आपको याद रखने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं यहाँ पे. FYM लिया है, SSP, MOP, साथ में जिंक सल्फेट, 100 ग्राम जिंक सल्फेट पर सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे लेते हैं. पर ट्री शुड बी अप्लाइड इन सॉइल, तो ये सब सॉइल एप्लीकेशन हो रहा है. और सीवियर केसेस में क्या होता है इनकी जो डोज का अमाउंट है वो डबल हो जाता है एक्सेप्ट FYM. ओके, एंड फॉलियर स्प्रे ऑफ DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट 0.3% एंड सिंगल सुपर फॉस्फेट 0.5% टू बी गिवन इन विदिन 45 डेज आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ लीव. तो लीव्स इमर्ज होने से पहले जब प्लांट्स बहुत छोटा होता है लीव्स प्रॉपरली इमर्ज आउट होने से पहले हमको DAP और SOP का फॉलियर एप्लीकेशन या फॉलियर स्प्रे करना होता है. सो दैट इज दिस इज द मैनेजमेंट ऑप्शन और मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर कंट्रोलिंग ब्रॉन्जिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन गुआवा.